अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए फंडिंग का एक सोर्स जो है वो एंजल्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं एंजल्स जी फरिश्ते ये टर्म सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में न्यूयॉर्क ब्रॉडवे के म्यूज़िक सीन से आई है जहाँ नए आर्टिस्ट जिनके पास कोई ख़ूबसूरत आइडिया है कोई अच्छा म्यूज़िक है कोई स्टेज प्ले है लेकिन जो इस्टाब्लिश प्रोड्यूसर्स हैं वो उस पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उसमें रिस्क है एक नया नाम है एक्सपेरिमेंट है ये कि पता नहीं कामयाब होगा कि नहीं उसके नस्बत वो जो बड़े बड़े नाम पहले से ब्रॉडवे में इस्टाब्लिश हैं उनके साथ काम करना प्रेफर करते हैं ऐसे में कहीं से फ़न का कदरदान एक फरिश्ता नमदार होता है जो कि कहता है कि ओके आप नए आर्टिस्ट हैं आपके पास ये बड़ा खूबसूरत आइडिया है चले मैं इस पे इन्वेस्ट करता हूँ ये रिस्क मैं लेता हूँ कि आपका काम अगर जो है वो चल निकले तो एंजल्स का कॉन्सेप्ट जो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में बिल्कुल इसी तरह का है ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी एक ख़ास अमाउंट जिनकी आ, अर्निंग होती है उनके एसेट्स होते हैं और कुछ सालों तक अगले कुछ सालों तक वो अर्निंग उतनी रहने का इम्कान होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सालाना थ्री हंड्रेड थाउजेंड डॉलर कमा रहा है तो उस शख़्स को लाइसेंस किया जाएगा एज़ एंजल, जो के इम्कान है कि अगले तीन चार साल भी थ्री हंड्रेड थाउजेंड डॉलर जो है वो कमाता रहेगा उनके पास ये मनी है जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स में बनस्बत किसी बिजनेस वेंचर के क्योंकि दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर दे वॉन्ट टू टेक द रिस्क जो सोशल एंटरप्रेन्योर के नए आइडिया में या माशरे में जो बेनिफिट आना है उसकी सूरत में मौजूद है तो ये अमूमन अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी नए एंटरप्रेन्योर के किसी नए आइडिया के ऊपर लेकिन ऑफ कोर्स इन्हें रिटर्न चाहिए होता है जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो कॉरपोरेट या कंपनीज होती हैं जो के एम्प्लॉय करती हैं ये वो लोग हैं जो हाई रिस्क जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं हमने पिछले किसी मॉड्यूल में रिस्क और रिटर्न के हवाले से बात की थी कि अमूमन इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में क्योंकि इनोवेशन इज़ द की तो बाज़ आइडियाज़ जो देखने में अपरेंटली हाई रिस्क लग रहे होते हैं अगर उन पर कोई गैम्बल करे तो हाई रिटर्न भी आ सकता है तो ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं ये बेसिकली गैम्बल करते हैं कि अगर ये इनोवेटिव आइडिया क्लिक कर गया ये सर्विस जो है ये पॉपुलर हो गई इस पर रिटर्न आना शुरू हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा होगा जिससे उनका रिस्क कंपनसेट हो जाएगा एंजल्स और वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं दोनों बेसिकली अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न चाहते हैं दोनों नए स्मॉल सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको इन्वेस्ट करते हैं एंजल्स और वेंचर कैपिटलिस्ट में रिस्क का है यूजुअली एंजल्स हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करते जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली करते ही हाई रिस्क जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों जो हैं वो अगर उनको मौका दिया जाए कि वो किसी रेगुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करें विज़ावी एक सोशल एंटरप्रेन्योरियल जो एक्टिविटी है उसमें करें तो दे वुड बी पार्शल टू सोशल एंटरप्रनोरियल एक्टिविटी क्योंकि या उनकी और, आ, कोई सोशल अपनी पर्सनल कमिटमेंट होती है एंजल्स के फॉर्म में कि उन्होंने कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम खुद एक्सपीरियंस किया हो उनकी कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो किसी सोशल ऐशू के हवाले से वो महसूस करते हों कि इस पे काम करने की ज़रूरत है लेकिन ख़ुद उनकी फ़ील्ड ऑफ एक्सपर्टीज डिफरेंट है जिससे वो अन करते हैं तो फिर वो उस सोशल एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्ट करना जो है वो प्रेफर करेंगे इसी तरह वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं अगर उनको मौका मिले कि एक हाई रिस्क आइडिया बिजनेस की दुनिया में है और एक हाई रिस्क आइडिया जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में है तो दे वुड बी पार्शियल टू द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेटिव हाई रिस्क आइडिया क्योंकि उनकी वो जो कमिटमेंट है कि वो सोशल कॉजेज़ को भी साथ आगे बढ़ाएंगे अपने रिटर्न के साथ वो उन्हें पुश करती है एक तरह से कि वो उस आइडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें एंजल्स और वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो बहुत तेज़ी से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जो कैपिटल मार्केट है उसको कैप्चर कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करने की जो लिमिटेशंस हैं उनको जहन में रखते हुए ये आसान है इनके साथ काम करना आप एंजल्स जो हैं उनके साथ वन ऑन वन कर सकते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं उनके जो नुमाइंदे होते हैं उनके साथ भी और सोशल एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ फाइनेंसिंग या फंडिंग ही नहीं मिलती बल्कि बाज एंजल्स और वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो एक्टिवली सोशल एंटरप्रेन्योर्स को उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो मैनेजमेंट इश्यूज हैं और इस तरह की इनपुट्स भी देते हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योर की कैपेसिटी बिल्ड होती है बाज लोग समझते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है कि सोशल एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी मिल गई और साथ एक एक्सपीरियंस और सपोर्ट भी मिल गई जिसके ज़रिए से उसकी एज एंटरप्रेन्योर कैपेसिटी बिल्ड हो रही है लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये एक नेगेटिव चीज़ है क्योंकि इस तरह अगर एंजल्स और वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो सोशल एंटरप्रेन्योर के साथ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठते हैं तो जो सोशल एंटरप्रेन्योर का जो कंट्रोल है अपने एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के ऊपर वो कम हो जाता है बल्कि बाजुका चूंकि ये लोग एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड के तो वो डिसीजन मेकिंग को डोमिनेट कर लेते हैं और एन मुमकिन है द मिशन वुड लूज साइट तो इसकी अप एंड डाउन साइड्स दोनों मौजूद हैं सोशल एंटरप्रेन्योर को बहुत स्मार्टली बहुत क्लेवरली वो स्पेस देना होती है इनको जितनी वो मुनासिब समझे जिस जहाँ पे उसको इम्कान है जहाँ पर उसको यकीन है तो उसका सोशल मिशन जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट नहीं होगा थैंक यू